स्टार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शहरी। रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह के द्वारा सर्दी के मौसम में कोहरे की दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस को सजग और सतर्क रखने के उद्देश्य से समस्त क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा पुलिस फोर्स के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में की जा पैदल गश्त चेकिंग ड्यूटी रद्द कर्मचारियों का निरीक्षण किया गया। समस्त क्षेत्राधिकारियों थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले होटल सराय धर्मशाला सहित धार्मिक स्थलों बाजार रेलवे स्टेशन बस अड्डे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर पैदल भ्रमण कर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाकर रामजन को सुरक्षा का एहसास दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। विशेष रूप से पशु चोरी और गोक्षी जैसी घटनाओं को रोकने हेतु गोक्षी की निगरानी करने और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अधिक से अधिक वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में भी संबंध कर्मचारी गण अधिकारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, तो जाड़ों के दिन है और कोहरे का सीजन प्रारंभ हो गया है। बुलंदशहर पहले से भी रात के लिए बहुत संवेदनशील जनपद रहा है। 2016 में हाईवे पे रेप की बड़ी घटना और इसी तरह छुटपुट घटनाएं जनपद में होती रही हैं। भैंस चोरी की घटनाएं इन अंधेरों में ज़्यादा होती हैं, तो इस लिहाज से पूरे जनपद की पुलिस को सजग और सतर्क रखने के लिए हम सबका भी निकलना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं निकलेंगे तब तक नीचे वालों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मौजूद मिलेंगे। इस वजह से लगभग प्रतिदिन रात के समय हमारे जितने राजपत्रित अधिकारी हैं 2:30-3 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त पे रहते हैं। उसी के क्रम में बाई चांस मैं भी आज इधर आ गया। सर, इंडियन हिल्स की टीम ने आज कई स्थानों का जो है चेकिंग रियलिटी चेक किया है। अभी खुर्जा हम गए थे, खुर्जा देहात गए थे, तो क्या सर रोज ऐसी ही चेकिंग चलती रहती है? हाँ, ये नियमित चेकिंग है और यही कारण है कि रात के समय हमारा जनपद फिलहाल सुरक्षित है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है इसको लेकर किसी प्रकार की आपत्ति हो, लेकिन NCR का एक महत्वपूर्ण जनपद और संवेदनशील जनपद होने के कारण गोकसी के लिहाज से भी संवेदनशील है। तो रात को हमने थानों की टीमें जो है गोकसों के जो पुराने गोकस हैं उनके घरों पर दबिश के लिए भेजा है कि निगरानी की जाए कि अपने घरों पर मौजूद हैं या नहीं। वारंटियों की गिरफ्तारी का भी अभियान साथ ही साथ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चल रहा है। तो ये लगभग डेली रात प्रक्रिया है और 2:30 बजे तक कम से कम पुलिस के लोग जो है सड़कों पर रहते हैं। इसके अलावा जो नियमित विकेट है रात के वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल। तो देख सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयरब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स, आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स। होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।